और यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे जो दुबई के रेजिडेंट्स हैं। जो दुबई का जो मेन था ना Terminal 3 और 1 वाला एरिया, वो तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और इधर से हमने वैट रिफंड करवाया है, ये ग्रीन वाला काउंटर है, बट आप बोर्डिंग पास लेने से पहले भी करवा सकते हो ये। तो स्वागत है दोस्तों एक नए व्लॉग में, और अभी हम हैं दुबई के होटल में जिसमें हम पिछले 10 दिनों से रह रहे थे, और आज हमारा आखिरी दिन है और अभी हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। और रूम में रह के काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी स्पेसियस रूम था, और होटल का नाम था कुछ सबवे होटल करके, जो कि काफ़ी बढ़िया था। और अभी हम निकल रहे हैं श्रीलंका के लिए, और आने वाली जो सीरीज़ आप देखोगे वो श्रीलंका की देखोगे। बट इस व्लॉग में आज मैं आपको बताऊंगा, मैं एक नई एयरलाइन से उड़ रहा हूँ जिसका नाम है फ्लाई दुबई, मेरी पहली फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा कि फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट्स कैसी हैं उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाया जाए। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि आप जब दुबई में एंट्री या एग्जिट हो रहे हो तो कैसे होते हो, क्या इमिग्रेशन प्रोसेस है, और किस तरीके से आप एंटर ले सकते हो, किस तरीके से आप एग्जिट ले सकते हो, और दुबई का एयरपोर्ट कैसा है, और फ्लाई दुबई की जो फ्लाइट है वो कैसी है। तो चलें भाई, चलो। बैग हमारे पैक हो चुके हैं और हमने अपने तीनों बैग पैक कर लिए। ये पहला ट्रैवल है हमारा जब हम इतना सारा लगेज लेके चले हैं, और ये किचन था जिसमें हमने काफ़ी टाइम खाना बना के भी खाया, जिसने हमारे काफ़ी पैसे सेव किए। मतलब फुल घर वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे रहने में, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि हम होटल में रह रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा जैसे घर में ही है। गाइस, दुबई एयरपोर्ट का गेट कुछ ऐसा है, और ये इमिग्रेशन है इधर का इमिग्रेशन काउंटर। तो गाइस, एंट्री के टाइम पे इन्होंने स्टैंप लगाई थी हमारे पासपोर्ट पे, लेकिन एग्जिट के टाइम पे डिजिटल इमिग्रेशन हुआ था। तो गाइस, हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, और सिक्योरिटी चेक इन हुआ है हमारे पीछे, और इधर से हमने वैट रिफंड करवाया है, ये ग्रीन वाला काउंटर है, बट आप बोर्डिंग पास लेने से पहले भी करवा सकते हो ये। और हमारे को हमारा जो मैकबुक पे वैट कटा था वो 5% कटा था, और जो हमारे को मिला है वो 4% मिला है, और मैंने कार्ड में लिया है, तो आप कैश और कार्ड कैसे भी ले सकते हो। और ये इनका ड्यूटी फ्री एरिया है, दिखाता हूँ कैसा है। और अभी मैं Terminal 2 पे हूँ, दुबई फ्लाई दुबई करके एक एयरलाइन है जो वो उसके जो फ्लाइट होती हैं वो Terminal 2 से होती हैं। मैं 3 पे जा रहा था क्योंकि मेंशन नहीं था टिकट पे, बट मैं इसके ऊपर आया हूँ, तो 2 पे मेरे को पता चला, मैंने जब बात करी कस्टमर केयर से, कि 2 से फ्लाई होती हैं जितनी भी फ्लाई दुबई की फ़्लाइट होती हैं। ये मेरे ख्याल से ना डोमेस्टिक टर्मिनल है, बट फ्लाइट इधर से इंटरनेशनल भी जा रही है, मतलब लगा मेरे को देख के, क्योंकि जो दुबई का जो मेन था ना Terminal 3 और 1 वाला एरिया, वो तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, और ये वाला मतलब बेसिक सा है, सिंपल सा, जैसे अपने डोमेस्टिक टर्मिनल पर आ गए आप ऐसे, बट है वैसे टर्मिनल इंटरनेशनली। और यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे जो दुबई के रेजिडेंट्स हैं, मतलब इनके पहनावे में। ओह, इट्स ओके, बच्चे ने टक्कर मार दी थी मेरे को पेट में, सही सिर मारा। छोटे बच्चे भी देखे कितने जाओगे, चले कितने जाओगे, सही है। अभी जा रहे हैं हम F12 की तरफ, हमारा जो बोर्डिंग गेट है वो F12 है, और वहाँ से हमारे को फ़्लाइट बोर्ड करनी है। और ये इनका कैफेटेरिया है, इधर MACD के आउटलेट्स बने हुए हैं, और पेस्ट्री वगैरह भी आप इधर इन्जॉय कर सकते हो, मतलब बहुत सारे आउटलेट बने हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमारे साथ घूमोगे तो आप बहुत कुछ कर ही सकते हो, क्योंकि हम आपको बता देते हैं इधर क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और भाई, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं ना, मोस्टली मतलब अदर कंट्रीज़ के हैं, इनके खुद के बंदे तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आई थिंक जो गस्टेड पोस्ट होंगी ना, उनके ऊपर ही होंगे इनके। F12 गेट आ गया, इधर से अपने को फ्लाइट बोर्ड करनी है, और 5:55 पे हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी, बोर्डिंग फ़्लाइट की। और गाइस, बोर्डिंग स्टार्ट होने के बाद इन्होंने हमारे को एक बस में बैठाया, और 20 मिनट तक एयरपोर्ट पे घुमाते रहे, और फाइनली हमें लेके आ गए हमारे एरोप्लेन के पास। गाइस, हमारी फ़्लाइट आ गई है। और गाइस, फ्लाई दुबई का एरोप्लेन काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा था, और अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत था, और यहाँ का जो स्टाफ था वो काफ़ी हेल्पफुल था। रात को हमने जितनी बार भी पानी मांगा उन्होंने हमारे को फ्री दिया। और गाइस, एरोप्लेन का टॉयलेट मैंने देखा बहुत बार है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो इसके बारे में भी कोई मैं कमेंट नहीं करूँगा, बाकी काफ़ी ठीक था। और गाइस, 15 मिनट के बाद हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी श्रीलंका के लिए, और ये जर्नी जो हमारी रहने वाली थी लगभग 5 से 6 घंटे की रहने वाली थी, और मैं फ़र्स्ट टाइम श्रीलंका जा रहा था, किसी भी देश में मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सॉन्ग सुने, मूवीज़ देखी, और फिर मैं सो गया। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं श्रीलंका, और एयरपोर्ट ठीक है, मतलब कोलंबो का इतना बुरा नहीं है, देखने में सही लग रहा है, बाकी आप देखो कैसा सा है। और क्रिसमस ईव को लेके इनको भी एक्साइटमेंट है, शायद लगा रखे हैं काफ़ी सारे लाइटनिंग वगैरह,
और अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ और इमिग्रेशन क्लियर करके और निकलते हैं अपने होटल की तरफ। देखते हैं कैसे जाएंगे, अभी हमने कोई मोड सेलेक्ट नहीं किया कि हम ट्रेन से जाएंगे, कैब से जाएंगे, कैसे जाएंगे, और हमारे को यहाँ से सीधा कैंडी निकलना है। तो गाइस इनके इमिग्रेशन हॉल में आ गए हम और यहाँ पे हम अपना इमिग्रेशन क्लियर करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। और ये एंट्रेंस है, हेलो। और इधर बुद्धा का स्टैचू लगा हुआ है और कुछ इंस्ट्रक्शन भी लगा रखी हैं कि आपको यहाँ पे फोटोज़ कैसे क्लिक करवानी है। तो अभी जा रहे हैं हम अराइवल्स की तरफ। अराइवल्स उधर दिखा रहे हैं, आई थिंक अराइवल के लिए डिक्लेरेशन तो हमने पहले ही दे रखी है और देखते हैं अभी क्या होगा। तो गाइस इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था और कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं की और हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, कुछ खास पूछा नहीं। बाकी एंटर करते ही कुछ मस्त दिखा रहे हैं और एंटर होते ही कुछ काफ़ी मस्त सा एंटरटेनमेंट के साथ एंट्री हुई है, हमारा स्वागत हुआ है यहाँ पे। मतलब काफ़ी हैपनिंग है आई थिंक क्रिसमस को लेके। और ये इनका ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ से अगर कोई कुछ बाय करना चाहे तो कर सकता है। बाकी ड्यूटी फ्री एरिया में अल्कोहल क्यों होती है ये मेरे को आज तक पता नहीं चला, इतनी बारी मैंने ट्रैवलिंग कर ली। और ये वाली ट्रेन है जो हमने मिस नहीं करनी। बाकी देखते हैं, कैंडी से नोराइलिया के लिए मैंने बुक कर रखी है ऑलरेडी। और ये गाइस फर्स्ट लुक इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद बाहर का व्यू काफ़ी सही और साफ़ सुथरा और खाली खाली सा लग रहा है। बाकी हमारे बैग किस बेल्ट पे आए हैं ये तो अनाउंसमेंट उन्होंने करी ही नहीं। अभी चलो देखते हैं कहाँ से हम बैगेज क्लेम कर सकते हैं, बाकी बेल्ट नंबर तो उन्होंने बताया ही नहीं। आई थिंक काफ़ी भीड़ वहाँ पे लग रही है तो मे बी हमारे बैगेज उधर ही आए होंगे। देखते हैं कहाँ से क्लेम कर सकते हैं हम अपने बैग्स को, वैसे काफ़ी भीड़ लगी हुई है तो शायद बैग इधर ही आएंगे हमारे, क्योंकि जाने पहचाने चेहरे इधर ही दिख रहे हैं। तो चलो एक बार ये बैग ले लेते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आधे घंटे के बाद हमारे को लगेज मिल गया है और काफ़ी वेट कराया इसने। और अभी हम ग्रीन चैनल से निकलेंगे क्योंकि हमारे पास क्लियर करने के लिए कुछ है नहीं। तो श्रीलंका में ऑफिशियली हम एंटर हो चुके हैं गाइस। तो अभी बाहर आ गए हैं और इधर काफ़ी सारे एक्सचेंज के काउंटर्स हैं, मनी एक्सचेंज के काउंटर। तो मेरे को डॉलर्स कुछ कन्वर्ट करवाने हैं क्योंकि यहाँ के मैंने सुना कि एक्सचेंज रेट बाहर कुछ अच्छे नहीं मिलते, तो यहाँ पे मैं मनी एक्सचेंज करा लेता हूँ जहाँ पे भी अच्छा रेट मिल रहा होगा। एक बार देख लेते हैं पहले कितना प्राइस मिल रहा है, क्योंकि मेरे को US डॉलर चेंज करवाने हैं। कितने कन्वर्ट करा रहा है काकू? $600। देखते हैं कितना देंगे, एक्सचेंज रेट दे रहे हैं 331 का। तो गाइस एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम निकल गए थे कैंडी के लिए एक प्राइवेट कैब करके। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं उसमें आप देखोगे दुबई की आइटनरी और वीज़ा प्रोसेस वगैरह, और उसके बाद अपलोड होंगे सभी श्रीलंका के व्लॉग्स। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय।